जीएसटी आज आधी रात से लागू हो रहा है और इसका असर खाने पीने की चीजों से लेकर तमाम वस्तुओं पर पड़ेगा और इससे क्रिकेट भी अछूता नहीं है। इसका असर उन क्रिकेट प्रेमियों की जेब पर भारी पड़ेगा जो मैदान में जाकर मैच का मजा लेते हैं। बीसीसीआई या हॉकी फेडरेशन द्वारा आयोजित अन्य मैचों के टिकट 18% के स्लैब में आएंगे। 250 रुपए तक के टिकट जीएसटी के दायरे के बाहर होंगे। स्टेडियम में इस कीमत के टिकट बहुत कम होते हैं। खेल संगठनों के आयोजन पर पहले 28% टैक्स का प्रावधान था, लेकिन गुरुवार को हुई बैठक में इसे 18% करने का फैसला किया गया। अगर जीएसटी काउंसिल ने आखिरी वक्त में इसे बदलने का फैसला नहीं किया होता तो बीसीसीआई द्वारा भारत में टेस्ट, वनडे और टी20 मुकाबले के टिकटों पर 28% टैक्स लगता। जानकारों के अनुसार 1 जुलाई से 250 रुपए से ऊपर की कीमत वाले टिकटों पर टैक्स लगेगा। यह मौजूदा प्रैक्टिस से हटकर है जिसमें सिर्फ आईपीएल की तरह के टूर्नामेंट्स पर सेवा और मनोरंजन कर लगता था। मान्यता प्राप्त खेल संगठनों को कर दायरे से मुक्त रखने की परंपरा रही है। ये संगठन खेल को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं।